और एक रस्म क्या है, रज्जगा। जरा तहज्जुद के लिए रज्जगा हो तो देखिए, बहुत ही नारी हाँ। रज्जगा इबादत के लिए होता, बहुत थक गया, बहुत ऐसा हुआ, वो जॉब से आके भी बैठता रज्जगे में बराबर और चाय मंगाता, लेकिन उसको नमाज पढ़ने के लिए बोलेंगे तो ईशा की नमाज बोलेंगे, ये तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, बहुत थक गया एकदम, जाके सो जाता हूँ, लेकिन रज्जगे में बराबर खा पी के आके बैठेगा डकार लेके। रज्जगा क्या है और रज्जगे में कितनी बेहयाइयां होती है आप देखिए। रज्जगा में ढोल मंगाया जाता है और औरतें बस्ती की पूरी जमा होती हैं, फिर नानी अम्मा फिर खाला फूफी सब जमा होते हैं, फिर एक से एक जिनको बजाना, और इनको बजाना भी आता, लोगों को मालूम नहीं था उनको बजाना आता है, फिर ढोल लेके बजाना शुरू करते हैं और फिर गाने उस पर गाए जाते हैं, कौन से फिल्मों के गाने, फिर उसमें थोड़ा शुरू में शरीफ होता है, बाद में शराफत सारी खत्म हो जाती है, बेहयाई के गाने भी आना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे कोई हाथ पकड़ के किसी नानी को उठाता है हाँ, फिर वहाँ पे नाचना भी शुरू करते हैं, फिर कुछ निकाहों में क्या होता है, बाहर से कुछ लोगों को बुलाया जाता है जिनका निकाह कभी हो नहीं सकता है, ऐसे लोगों को भी लाते हैं कि जिनका निकाह ही नहीं हो सकता है, मुखन्नस और इस तरह के जितने लोग हैं ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और वो बेहयाई के नाच वहाँ पर नाचते हैं और सब हंसते हैं और एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर वो जाता है, कभी सास के पास जाता है, कभी ससुर के पास जाता है कि जाती है, अब क्या बोलूँ मैं उसके लिए, फीमेल बोलूँ कि मेल बोलूँ, उनको लेके जाके उनके साथ नाचता है, उनको किसी मर्द को लेके जाके उसके साथ नाचता है और वहाँ पर खुशी मनाई जाती है। अच्छे अच्छे शरीफ लोग भी सर से टोपी सर पर हैं, लेकिन वहाँ पर उस दिन भी वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े दीवाने हो जाते हैं उस दिन भी, कहते शादी में जब चलता खुशी का दिन आज चलता, क्या चलता, कैसा चलता है नाच गाना, कैसी चलती है बेहयाई, कैसे चलते हैं वो गाने जो बिल्कुल शर्म शर्म आएगी आदमी को सुनने के लिए उसमें। ये सारी चीज़ें गंदी हैं, ये हमारे समाज से निकलना चाहिए। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा इन इत्तकैतुन्न फला तखदअन बिलकौल फयत्मअ अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद वकुल नकौल मारूफ़ा। ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम वाकई अल्लाह ताला से डरती हो तो ऐसे अंदाज में बात मत करो कि जिसमें लचक हो, अपनी आवाज़ में लचक पैदा करके बात मत करो ऐसे कि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि फिर तुम्हारी आवाज़ की वजह से वो आदमी जिसके दिल में शहवतों की बीमारी है उसके दिल में तुम्हारे लिए ख्वाहिश और तमन्ना पैदा होने लगे। वकुल नकौल मारूफ़ा, और बात करना तो ठीक ढंग से ठीक ठीक बात करना। देखिए औरतें अगर आपस में जमा होकर दफ दफ पर, दफ एक तरफ से जो खुला होता है एक तरफ से बंद, दफ जो होती है दफ दफ एक हाथ से जिस पर बजाया जाता है और एक हाथ से पकड़ा जाता है, उसकी गुंजाइश इस्लाम में है, औरतों के लिए मर्दों के लिए नहीं। औरतें आपस में बैठ कर दफ अगर बजा के कुछ गीत शादी के गाती हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें मर्द भी बैठे हैं सब देख रहे हैं, जवान बच्चियां भी फिल्मों के गाने गा रही हैं और जवान बच्चे भी अच्छे बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं उनको, पूरे निहार रहे हैं, पूरी सर से पांव तक बच्चियों को देख रहे हैं, तो ये चीज़ जायज़ है, ये चीज़ जायज़ नहीं कि सारे मर्द और औरत आपस में जमा हो के गाएं, ये सही नहीं है। औरतें आपस में बैठती किसी कमरे में और वहाँ पर दुल्हन भी बैठी है, उसके दिल के खुश करने के लिए कुछ गीत गा रही हैं जिसमें बेहयाई नहीं है, कुछ भी गा ऐसे गीत गा रही, जाएगी हमारी बच्ची कल निकाह होगा और ऐसा कुछ भी है गीत है, माँ बाप की खुशियाँ पूरी होंगे, तो कुछ भी गीत बना के शेर शायरी वाले तो हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ भी ऐसा अगर शेर है जिसमें शराफत का दामन छोड़ा न गया हो और जितने इतना ज़ोर से ना हो कि बिल्कुल रोड के क्रॉस करके वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही कि ज़रा सुनो मेरी भी आवाज़, और जवान बच्चियाँ उसमें गा रही बहुत ही आवाज़ बना बना के कि बाहर बच्चे हुए लोगों के दिलों में, बाहर बैठे हुए लोगों के दिलों में तमन्ना पैदा हो रही कि देखे तो सही कौन गा रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आवाज़ें बना बना कर गाना ये भी एक बुरी चीज़ है, उसमें नाचने से और भी ज़्यादा बुराई पैदा होती है।